अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं मुयाज़ अहमद वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन फ्यूचर में। आज मेरी वीडियो है टमाटर के ऊपर। टमाटर का प्लांट मैंने लगाए थे, ये दो प्लांट मैंने लगाए थे जो कि अच्छे माशाल्लाह से हेल्दी जो है वो चल रहे हैं, बट इनके नीचे के जो लीव्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। और ये देखें, ये स्टार्टिंग लीव हैं इसके, पुरानी है ब्रांच तो पुरानी है क्योंकि ये इसकी दो शूट्स हो गई थी ऊपर से, यहाँ से ऑटोमेटिकली विदाउट प्रूविंग जो है वो डबल शूट हो गई थी और ऊपर आ गई थी। यहाँ पर एक इसके अंदर ये लगा हुआ भी है टमाटर, दो फ्लावर बने थे बट एक उसमें से नाकाम हो गया, एक लग गया और अभी ये शूट डबल हो गई फिर ऊपर आ गई, मगर ये थोड़ा सा इस तरह से हो रहा है, बर्निंग कर रहा है। तो मैंने इसको करीब से देखा था, ये देखें इसके अंदर कोई फंगस वगैरह तो नहीं लगी हुई है ना, थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह है वो भी बेहतर नहीं है, डस्टिंग भी नहीं होनी चाहिए प्लांट के ऊपर, इस तरफ तो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये तो पुराने ओल्ड हैं तो ये तो चले डैमेज हो गए, ख़त्म हो गए, और न्यू जो है वो इसके बेहतरीन चल रहे हैं ना। बट इस तरफ वाला जो है इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि आई थिंक इसको आयरन की थोड़ी सी कमी है। तो आयरन की कमी को पूरी करने के लिए हम इसको देंगे डी एन पी खाद जो है वो, यूरिया खाद जिसको भी कहते हैं हम, DNP वो हम इसको देंगे दोनों को। तो इनके अंदर जो है आयरन की भी कमी और पोटाशियम की भी कमी पूरी होएगी। अगर हम इसको इस तरह की लीफ कंपोज में भी लगाया हुआ होता हमने इसको, तो फिर हमें ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि लीफ कंपोज जो है वो ऑटोमेटिकली इसको अलग रखती है और अच्छी तरीके से जो है इसको डेवलप करती है, बढ़ने में मदद देती है। तो ये हमारे पास बहुत सारे हैं, साथ ही साथ हम इनको जो है वो ट्रांसप्लांट भी करेंगे क्योंकि ये ट्रांसप्लांट के काबिल हो गए हैं, सारे टमाटर हैं ये सारे भी ट्रांसप्लांट के काबिल हो गए हैं तो इनको भी हम ट्रांसप्लांट कर लेंगे। खैर ये तो बहुत सारे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि सिंगल सिंगल, और अगर नहीं हमारे पास अगर इतने नहीं हुए गमले तो फिर हम देखेंगे कि इस तरह इसको मैनेज करते हैं, दो दो तीन तीन करके इनको भी हम मैनेज करेंगे, या हम कोई बड़ी एक चीज़ ले लेंगे तो उसके अंदर हम इनको लगा देंगे। तो अभी हम सबसे पहले तो DNP इनको देते हैं, यूरिया DNP थोड़ी सी गुडाई करेंगे और उसके बाद DNP यूरिया देंगे। तो पहले हम इसको जो है वो हल्की हल्की सी गुडाई कर लेंगे, कोशिश करें जब गुडाई करें तो साइडों से करें ताकि आपको रूट्स का अंदाज़ा हो जाए कि इसके अंदर कितनी रूट्स हैं, और ऐसा तो नहीं है कि आप रूट्स डैमेज कर दें। तो इसके अंदर अभी ऊपर रूट्स नहीं है तो हम इसको अब बीच में से भी कर लेंगे, अगर रूट्स हों, रूट्स का जाल बन चुका हो पूरा तो फिर जो है आप सिर्फ इसको जो है वो साइडों से गुडाई कर लें और बीच में से ना करें। तो ये अभी हमने इसकी गुडाई कर ली, पानी हमने डाला हुआ तो इसलिए गुडाई भी हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो रही है, बिल्कुल आसानी से हो जा रही है। ओके जी, तो अभी DNP यूरिया हम इसके अंदर डाल देते हैं, ये तो हमारे बहुत हेल्दी हैं अभी माशाल्लाह से ज़बरदस्त हो रही हैं, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ इस तरह से होती है कुछ। देखें ये DNP यूरिया, जब हम इसको इसके अंदर डाल देंगे, थोड़े थोड़े डालेंगे हम, ये बहुत ज़्यादा है ना, अगर से एक ये 6 इंच पॉट है तो इसके अंदर आई थिंक ये 6-7 दाने ही बहुत होंगे एक गमले के अंदर। हम इसको इसके अंदर डाल देते हैं और जब हम ऊपर से पानी डालते हैं तो ये जो है घुल जाता है, ये इसके अंदर मैट बन जाता है बिल्कुल, और वाइट वाइट सा हो जाता है और उसके बाद इसके अंदर फैल जाता है और अंदर जड़ों तक ये पहुंच जाता है। तो हम ये तो ज़्यादा हैं दाने, हम इनको कम कर लेंगे, देखें इतने बहुत हैं दोनों के लिए। तो पहले इसमें हम डाल देते हैं, 6-7 से ज़्यादा ही मैंने उसमें डाल दिए, और अब इसके अंदर भी बाकी मैंने इसमें डाल दिए, और ये बेबीज़ इनको तो अभी हमने अलग कर रहे थे तो इसमें हम नहीं डालेंगे। अब जब हम इसके ऊपर पानी डालेंगे ऊपर से, या नहीं भी डालते हैं तो ये ऐसे ही इसके अंदर पड़े हुए हैं, बाद में जब भी पानी ओस आएगी तो ये फिर ठीक हो जाएंगे, बेहतरी की तरफ आएंगे। अब हम इनके जो ये लीव्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, इनको ख़त्म कर देते हैं, इनको काट देते हैं ताकि न्यू जनरेशन जो है वो हमारी बेस्ट बढ़े, इससे भी प्लांट की हेल्थ को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, बहुत अच्छी हेल्थ हो जाएगी उसकी, बढ़ जाएगी हेल्थ। नॉर्मल सीजन से हम इसके लीव जो हैं वो रिमूव कर देंगे, और लीव इसकी जो ब्रांचेज हैं सॉरी पूरी पूरी वो हम रिमूव कर देंगे क्योंकि इस तरह सिस्टम है, एक पूरी ये डेंगी आती है और इसके ऊपर फिर लीव्स जो हैं वो बनते हैं, इस तरह से इसका प्रोसेस होता है। तो वो मैंने एक रिमूव कर दिए, अब इस तरफ का भी मैं एक रिमूव कर दूंगा। देखें इतनी आपने तकरीबन इतनी आधी इंच की 1 इंच की जगह जो है वो छोड़ के इसको काटना है, वो फिर खुद ही सूख जाएगा, जितना बचेगा वो अलग सूख जाएगा। तो ये देखें ये 3 स्टैम्प मैंने इसकी काट दिए, इसी तरह इसकी तरफ आ जाते हैं तो इसके अंदर भी नीचे वाली जो है वो एक डैमेज है। अच्छा ये देखें ये सबसे फर्स्ट है बट ये ठीक है, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और जबकि इसके बरक्स जो इसके ऊपर वाली थी वो ख़त्म हो गई तो वो हमने हटाई फट गई, इसी तरह हमने ये ऊपर वाली भी काट दी है, तो ये अभी बेस्ट हो गई। वैसे भी ये सदाबहार प्लांट नहीं है क्योंकि एक सीज़न के हिसाब से ये लग रहा है, जिस तरह एक फसल लगती है उस फसल की तरह ये लग रहा है, और जब ये फसल पूरी हो जाएगी ये फल दे जाएगा उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, फिर हमने न्यू सिरे से इसको लगाना होगा। तो ये इस तरीके से जो है वो प्रोसेस इसका
चलता रहेगा। इसकी भी हमने कटिंग कर दी और इसकी भी हमने कटिंग कर दी, और कटिंग करते हुए कभी भी जो है वो परेशान नहीं हो रहे, कभी भी ये भी नहीं सोचना है कि भाई मैं कटिंग कर दूंगा तो प्लांट कैसा दिखेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये तो खैर फसल वाले प्लांट हैं, मतलब फील्ड के एक प्लांट हैं। अगर इसके अलावा कोई और प्लांट भी आपके पास होते हैं, जितने भी प्लांट्स आपके पास होते हैं, आप उनकी जितनी प्रूनिंग करेंगे, जितना उनको काटेंगे, वो उतने ही घनी और बुशी होते जाएंगे, ज़बरदस्त हो जाएंगे वो, और फ्रूटिंग वगैरह और हर चीज़। अगर फ्लावर देने वाला तो फ्लावरिंग हर लिहाज से वो बेस्ट रहेगा। तो इसीलिए आप इस चीज़ पर बिल्कुल भी जो है अफसोस ना करा करें, और ना ही टेंशन लें कि हम इसको अगर काट देंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो प्लांट आपका और ज़्यादा हेल्दी और एक्टिव हो जाएगा, और ज़्यादा उसके अंदर शूट्स आएंगी। एक ब्रांच आप काटेंगे वहाँ से दो और तीन आ जाएंगी, इस तरह से आपका प्लांट जो है वो हेल्दी होता जाएगा। तो अभी हम इनको जो है वो ट्रांसप्लांट जो है वो कर लेते हैं, बट काफ़ी सारा टाइम तो इसमें भी लग गया। तो ऐसा करते हैं कि अभी हम इनको ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे, हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। इसको अभी जो है हम बस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथ हो गई है उसकी। तो एक टमाटर मेरे पास लग गया, दो मैंने लगाए थे खाली एज़ अ तजुर्बा कि यहाँ लग जाएंगे या नहीं लगेंगे, बट लग जाएँ। तो अभी मैंने बहुत सारे लगाए, अब मैं इनको अलग अलग करूँगा, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। अभी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह आपने प्रूनिंग करके इनको हटा देना है, और ये फंगस या कोई भी बैक्टीरिया कीड़ा वगैरह नहीं है, ये आयरन की कमी की वजह से हुआ, जिसकी वजह से हमने जो है वो यूरिया खाद जो है वो डाली है, DNP यूरिया खाद जो है वो डाली है। यूरिया भी बोलते हैं, DNP भी बोलते हैं, कुछ भी बोलेंगे आप, ये मिल जाएगी आपको स्टोर से, स्काई फीड्स वालों की भी ये आती हैं। इसी के साथ अयाज़ अहमद को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।